चैनल और आज मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो लेके आई हूँ। कोई ब्लॉग नहीं है, कोई कुकिंग का नहीं है। आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको मेरा मेकअप कलेक्शन। मेरे से बहुत लोगों ने पूछा, दीदी आप कौन सा मेकअप यूज करते हो, क्या यूज करते हो, और मैं बहुत सारे वीडियो मेकअप वीडियो भी डालती हूँ, तो पहले डाले हुए काफी सारी, अभी मुझे थोड़ा कम टाइम मिलता है इसलिए मैं डालती नहीं हूँ, पूरा ब्लॉग डालती हूँ पूरे डे का। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा मेकअप कलेक्शन। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट्स करना मुझे और बताना कि कैसा लगा आपको। और नेक्स्ट तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आज फाउंडेशन, और मैं कौन सा फाउंडेशन यूज करती हूँ, कौन कौन सी कंपनी की चीजें मैं यूज करती हूँ, तो वो दिखाने वाली हूँ आज आपको मैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, हर मेकअप गर्ल के पास ये तो होना ही होना चाहिए, प्राइमर। प्राइमर क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है बहुत ही ज्यादा, और प्रिपेयर करता है बहुत सारी चीजों को झेलने से। जैसे फाउंडेशन लगाएंगे तो फाउंडेशन को अपनी स्किन के अंदर जाने से रोकता है ये, और काफी सॉफ्ट हो जाती है इससे स्किन। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी यहाँ पे, सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको ये प्राइमर इसका रेट मुझे पता नहीं है, मैंने घर से लिया था ये। उसके बाद बात करते हैं अपन, तो फाउंडेशन की बात करें तो एक मैं यूज करती हूँ ये लैक्मे का फाउंडेशन, और इसकी प्राइस तो शायद मुझे पता नहीं है, इसमें अभी निकल चुकी है इसकी प्राइस, बट ये मेरे को 700-600 के समथिंग कुछ पड़ा था। तो ये मैं लैक्मे का एक फाउंडेशन यूज करती हूँ, शेड नंबर मेरा वो भी इसमें मिट चुका है, शेड ना 02 है इसका। तो ये यूज करती हूँ मैं फाउंडेशन, एक फाउंडेशन यूज करती हूँ मैं, अभी काफी दिन से रखे हुए तो इसलिए थोड़ा ऐसा हो गया। एक मैं यूज करती हूँ ये ब्लू हेवन वाला, और मेरा शेड ये है। और उसके बाद नेक्स्ट मैं यूज करती हूँ ये ओलिविया की मेकअप स्टिक, इसको मैं अपनी आईज के नीचे वाले जो एरिया है यहाँ पे ज्यादा यूज करती हूँ, बट कभी कभी मैं इसको फुल फेस पे भी फाउंडेशन के तौर पे भी मैं यूज कर लेती हूँ, कभी कभी यूज करती हूँ। तो नेक्स्ट चीज ये मेरे पास तीन है फाउंडेशन। और नेक्स्ट बात करेंगे मॉइस्चराइजर क्रीम की, तो मॉइस्चराइजर क्रीम के लिए मैं यूज करती हूँ लैक्मे की ये पीच मिल्क वाली, क्योंकि मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत जरूरी है आपके फेस पे, और कभी कभी मैं जॉनसन बेबी का भी यूज कर लेती हूँ मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट उसके बाद यूज करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर की, तो कॉम्पैक्ट पाउडर मैं यूज करती हूँ एचडी का स्मूथ स्किन का, ये है ये वाला, और इसमें काफी शेड्स हैं अंदर ये एचडी में। अभी मैंने इसको यूज भी नहीं किया बिल्कुल, अभी तो इसको मैंने स्टार्ट किया यूज करना, मतलब एक ही बार दो बार यूज किया है, एक तो फर्स्ट तो ये है, सेकेंड इसके अंदर ये वाला है, और थर्ड इसके अंदर मिलता है आपको एक काफी सॉफ्ट वाला स्पॉन्ज, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है ये और काफी अच्छा वर्क करता है आपके फेस पे। और इसका मैं रिजल्ट जैसे कि आपको दिखा दूं एक बार, ये कितना अच्छा वो है, और बहुत ही ज्यादा स्मूथ है ये, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद थोड़ा सा फर्क इसमें, देख सकते हो काफी अच्छा है ये, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो ये यूज करती हूँ मैं। उसके बाद यूज करती हूँ मैं ये वाला, ये मेरा फर्स्ट है, मैं जब पहले लाई थी सबसे पहले लेके आई थी, इससे पहले एक और था वो खराब हो गया, वो मैंने दे दिया किसी को। सेकंड नंबर पे मैं यूज करती हूँ ये वाला, और इसकी जो पैकिंग है वो तो आप देख ही सकते हो, कितनी रॉयल पैकिंग है इसकी और कितना सुंदर लगता है देखने में। तो इसके अंदर का कुछ इस तरीके से है, सबसे पहले ये मिलता है आपको, सेकंड नंबर पे मिलता है ब्लशर मिलते हैं दो, और दो फाउंडेशन सॉरी फेस पैक पाउडर मिलता है आपको यहाँ पे, और इसके अंदर ही मिलेंगे आपको फोर लिपस्टिक इधर की साइड। तो ये काफी अच्छा लगता है मुझे, और ये मैं सेकंड टाइम पे लेके आई थी, और अभी इसमें से मैंने काफी सारा यूज करके खत्म भी कर दिया है, तो इसको मैं अब यूज करती हूँ। और जो एक और मैंने बताऊंगी आपको ये वाला, इसके बाद है एक ये है फैशन कलर का मेकअप स्टिक है ये किट, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से शेड है, आप देख सकते हो, इसमें भी दो तीन वो मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ये मिल जाते हैं, और दो आपको फेस पाउडर मिल जाएगा इसमें, और नेक्स्ट इसमें मिलेंगे आपको ये लिपस्टिक, और दो ब्रश मिलते हैं इसके अंदर आपको अच्छे से, और काफी अच्छी सी स्पॉन्ज वाली वो मिल जाती है, ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे स्पॉन्ज, जो जिसके अंदर अच्छे वाले आते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो ये है, और ये कितने का लिया था, कहाँ से लिया था वो मुझे पता नहीं है, बट ये मेरा अभी लिया था मैंने फरवरी में। और नेक्स्ट रखते जाओ, नेक्स्ट कई बार मैं जब आईज पे अच्छा वाला हैवी लुक देती हूँ तो मैं यूज करती हूँ उसके लिए
ये साइनर आई शेडो साइनर जो होता है ये वाला, तो अंदर से कुछ इस तरीके से है ये, और इसमें बहुत सारे काफी सारे कलर्स हैं आप देख सकते हो, और कुछ इस तरीके से निकलेगा अंदर, और काफी शाइनिंग वाला है ये। मैं इसको दुकान से लेके आई थी, ऑनलाइन नहीं मंगवाया क्योंकि ऑनलाइन में मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि कैसा निकलेगा कैसा नहीं निकलेगा। तो जितनी भी चीजें मैंने खरीदी वो सारी मेरी शायद दुकान से खरीदी हुई है, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे मेकअप का कुछ पता नहीं लगता। एक दो चीज खरीदी है मैंने ऑनलाइन, तो वो मेरी क्या कुछ तो खराब निकल गई थी ऑनलाइन में, इसलिए मैं मंगाती नहीं हूँ कुछ भी ज्यादा ऐसा कुछ। और नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, तो इसके अंदर मैंने रख के रखे हैं ये दो, ये है आपका सिली गर्ल का माय आई पैलेट, तो इसमें आपको मिलता है हाइलाइटर। इसके बाद है ये वाला, इसमें हाइलाइटर मिलता है, काफी अच्छा सा हाइलाइटर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा शाइन नहीं है ये, इस तरीके से दिखाई देगा आपको। ये यूज करती हूँ मैं, हाइलाइटर ही यूज करती हूँ इसमें से, बाकी की कुछ भी चीजें यूज नहीं करती मैं। और नेक्स्ट मेरे पास है किस ब्यूटी का हाइलाइटर एंड कॉन्टोर, अंदर से कुछ इस तरीके का है ये, और इसके बाद बात करते हैं ब्रश की कि मैं ब्रश कौन सा यूज करती हूँ मेकअप के लिए। ब्रश यूज करती हूँ मैं इसके नाइट के यूजर, ये वाले जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं उसके अंदर के ब्रश, और ये मुझे काफी पसंद आए, काफी मतलब हद से ज्यादा, और मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ जब कभी भी मेकअप करती हूँ या फिर कभी भी मैं कोई भी प्रोग्राम में यूज करती हूँ तो मैं यही वाले ब्रश यूज करती हूँ। और काफी अच्छी सी इनकी मैंने बहुत दिन पहले मंगवाए थे, साल दो साल हो गया इनको मंगवाए हुए, और काफी अच्छे चल रहे हैं अभी तक, कुछ भी इनमें खराब नहीं हुआ है मेरे से। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब, और एक फाउंडेशन है मेरे पास ये बीबी पॉन्ड्स की बीबी क्रीम भी है, इसको मैं कभी जब लाइट मेकअप करना होता है मुझे तभी मैं इसको यूज करती हूँ, हैवी मेकअप करना होता है तो मैं फाउंडेशन वगैरह यूज करती हूँ। और उसके बाद बात करते हैं सिंदूर की, तो सिंदूर के मेरे पास चार है, और मुझे सबसे अच्छा कलर में सबसे बेस्ट लगता था ये वाला, बट ये खत्म हो गया। ये लाइट है चेरी रेड बोल सकते हो, और ये डार्क रेड है इसमें सारी। ये वाला मैंने ऑनलाइन मंगवाया था पर्पल से मंगवाई थी मैंने, दो लिपस्टिक, एक मेरी गुम गई रेड कलर की, ऐसी रेड थी वो गुम गई मैट फिनिक्स में, पिंक वाली मेरे पास है अभी, तो चार ये है। और उसके बाद मैं यूज कर ली हूँ लाइनर, ये मैंने नॉर्मल दुकान से ही लिया था, इसका कलर है कॉफी कलर। मस्कारा यूज करती हूँ मैं ये वाला, इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी है, रॉयल पैकिंग है बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी आप देख सकते हो। और ये वाटर प्रूफ है, मी ऑन मन मस्कारा है ये, और वाटर प्रूफ है, बहुत ही अच्छा, निकलता नहीं है जब तक आप इसको ऑयल से या फिर मॉइस्चराइजर से नहीं निकालोगे तब तक ये निकलेगा नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद मैं यूज करती हूँ कभी कभी ये फेयर लवली, नॉर्मली जब मैं घर पे हल्का सा रहती हूँ मतलब तैयार होती हूँ तब यूज करती हूँ, उसको ज्यादा यूज नहीं करती बट मैं घर पे भी। उसके बाद बात करते हैं लिपस्टिक की और नेल पेंट्स की और बाकी के मेकअप की, तो वो मैं आपको वहीं दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे एक एक करके उठा के नहीं दिखा सकती, इसलिए वो मैं आपको अंदर ही दिखाऊंगी। ये सारी बड़ी चीजें थी इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दी, और मेरा मेकअप कलेक्शन ज्यादा तो नहीं है बट जितना है उतना मेरे पास गुड क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का मैं यूज करती हूँ, कभी भी मैं फालतू वाला यूज नहीं करती क्योंकि मुझे कई लोगों का फेस खराब हो जाता है इसलिए, तो वो वाला दिखा देती हूँ मैं आपको। चलते हैं कवर की साइड, दिखाऊंगी मैं इधर। तो सबसे पहले बात करते हैं काजल की, तो यहाँ पे काजल मेरे पास ढेरों काजल है, और मैं यूज करती हूँ हमेशा लैक्मे का ये वाला आईकॉन वाला, ये वाटर प्रूफ है, काफी अच्छा टिका रहता है, और एक रहता है मेरे पास हमेशा थ्रेड वाला, ये थ्रेडिंग करते हैं वो वाला धागा, और एक है मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर। सेकेंड बात करते हैं बिंदियों की, तो बिंदियों का कलेक्शन मेरे पास काफी अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा मैं कम यूज करती हूँ पर घर पे मेरे पास काफी अच्छा है बिंदियों का कलेक्शन। और नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं लिपस्टिक के बारे में, तो लिपस्टिक यहाँ पे मेरे पास ज्यादा नहीं तो 15 से 20, 20 से 25 होंगी शायद, अभी कुछ मैं घर पे छोड़ के आ गई थी। एक तो है ये वाली, और नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पर्पल वाली की, पर्पल वाली मेरे पास दो थी, एक रेड कलर थी बट वो मेरे से पता नहीं कहाँ गुम गई, ये पिंक मैट वाली है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, ये है पिंक कलर, एक है ये,
नेक्स्ट है कॉफी कलर एक, ये कलर काफी अच्छा लगता है मुझे, बट मैं कभी कभी यूज करती हूँ इसको। मेरे पास लिप बाम और एक ये वाला है, ये मेरा खत्म हो गया, ये वाला सबसे अच्छा लगता है मुझे ईवा का, बाकी ये भी हैं। और एक ये वाली लिपस्टिक है, ये अदिति ने खराब कर दी, मेरी सबसे बेस्ट लिपस्टिक लगती है मुझे रेड कलर में ये वाली, ये तोड़ दी थोड़ी सी, इतनी सी बची है इसमें, पर इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट, एकदम बहुत ही अच्छी वाली है ये। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, ये लैक्मे की एब्सोल्यूट की लिप पुट मैट वाली है ये, तो ये वाली मैंने ली थी 700 की, 750 की ली थी शायद, और ये भी थोड़ी सी बची है, ये भी खत्म होने वाली है, इतनी सी बची है बस, बट ये वाली बहुत ही अच्छी है, ये वाला कलर अच्छा है कलर, और इसका जो सॉफ्टनेस है वो भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ये। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, ये लिया था मैंने 800 का, और इसमें आप देखोगे कि हल्की हल्की शाइनिंग वाली है ये, तो बहुत ही अच्छी है, लगाने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। इसको मैं एक बार लगा के दिखा देती हूँ आपको, कुछ इस तरीके से लिप बाम जैसी लगती है बट काफी अच्छी। लिपस्टिक मेरी घर पे मैं छोड़ के आ गई, तो अभी यहाँ पे इतनी है मेरे पास, और इधर उधर पड़ी होंगी तो पता नहीं। और नेक्स्ट बात करती हूँ मैं नेल पेंट्स की, तो नेल पेंट्स मेरे पास काफी सारी है, पर रखी रखी सूख जाती है मेरी एक्चुअली, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल न्यू है ये पर सूख चुकी है। और नेक्स्ट इसके साथ साथ मैं लेके आई थी कि ये वाली, ये दीदी की है दोनों, ये काफी अच्छी है ये वाली। उसके बाद शाइनिंग वाली मेरे पास बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको, ग्लिटरी वाली एक ये है, दो ये है, और ये वाली तो मैंने एक साथ ही ली थी 50-50 रुपीज की, ये काफी अच्छी है ये वाली। और इसमें से मैं कभी कभी कुछ भी डेकोरेट करने के काम में भी ले लेती हूँ इनको तो। और नेक्स्ट बात करते हैं इनकी, ये बिल्कुल न्यू है, ग्रीन कलर है, इसमें थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है बट आपको ये थोड़ा ग्रीन है, और इधर भी है बहुत सारी, और ये इसमें ब्लू दिखाई दे रहा है बट ग्रीन है, ये ग्रीन कलर है बट इसमें ब्लू दिखाई दे रहा है पता नहीं क्यों। एक ये है शाइनिंग वाली, एक ये येलो वाली है, ये इधर वाली ड्रॉर हो चुकी है पूरी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, इसमें भी मेरी बहुत सारी नेल पेंट्स वगैरह रखी हुई है, एक ये येलो कलर मेरे पास दो है, एक ये व्हाइट वाली है, एक ये है, एक ये पिंक वाली, ये पिंक है, ये मैंने वहीं से ऑनलाइन मंगवाई थी, एक ये रेड है, रेड कलर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, रेड कलर लिपस्टिक में भी और नेल पेंट्स में भी मेरे पास बहुत सारी। नेक्स्ट इधर भी है थोड़ी सी, और उसके बाद ये है, और नेक्स्ट मैं इधर की साइड रखती हूँ, उनके पीछे की साइड मेरे जो फाउंडेशन वगैरह है वो इस तरीके से, और यहाँ पे इधर की साइड मैंने मेरे ब्रश ये सब कुछ रख रखा है, इधर की साइड थ्रेड वगैरह, मेरी बिंदी वगैरह इसके नीचे रखा है, जस्ट मैंने वो वाला सामान जो मैंने आपको पहले दिखा दिया था सारा मैं इस तरीके से रखती हूँ। और इसके बाद रखा है यहाँ पे मैंने, एक तो रखा है यहाँ पे नेल पेंट जब मेरी जम जाती है, खराब हो जाती है, तो उसको सही करने के लिए ये, और इसके बाद मैंने रखी है यहाँ पे एक ये क्रीम जोइबो की है ये, और यहाँ पे रखा है मैंने मेरे नेल पेंट्स क्लीन करने के लिए, और ये मेरे नेल आर्ट करने के लिए मेरे पास थोड़े से फ्लावर है। उसके बाद रखा है मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल, मेरा ये फेस चारकोल फेस मास्क, और ये रोल ऑन जो खुशबू वाला निविया का होता है कूल किक, और यहाँ पे एक और मेरे पास रोज वाटर रखा हुआ है एक नेल पेंट क्लीन करने के लिए, और मैं इसी तरीके से जो कवर्ड होती है उसी में जमा के रखती हूँ सारी चीजें अलग अलग जो मुझे मिल जाती है समय पे ढूंढने पे, नहीं तो अगर अलग अलग रख दोगे तो आपको मिलेगी नहीं ये सब कुछ एक जगह पे, और मैं इसी तरीके से जमा के रखती हूँ अपना सारा सामान, तो इसको बंद कर देते हैं। और नेक्स्ट बात करती हूँ मैं आपसे इधर वाली कवर की, इसका शीशा टूट गया, इसको इग्नोर करना थोड़ा सा, तो इस तरीके से कुछ तो कुछ इस तरीके से जमा के रखा है मैंने मेरी मेकअप वाली को, और यहाँ पे मेरे बाकी के ये सामान रखे हुए हैं, जैसे कि मेरी सनस्क्रीन है, और
मेरा ये टी ट्री वाला फेस स्क्रब है, वो बॉडी लोशन है, एक बॉडी लोशन इधर है, और यहाँ पे मैं साइड में ही रखती हूँ ये अदिति का। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, इसको इस तरीके की क्लिप्स वगैरह मैं इसमें डाल के रख देती हूँ तो मिल जाती है जगह पर, नहीं तो मिलती नहीं है। मुझे बहुत सारी क्लिप्स है इसमें, इस तरीके से डाल के मैं इसमें रख देती हूँ तो मुझे टाइम पे मिल जाती है ढूंढने पे। यहाँ पे रखती हूँ मैं अपनी बिंदी, एक मेरे स्ट्रेच मास्क की क्रीम है, इसमें मेरी ज्वेलरी है, यहाँ पे छोटा मोटा सामान है, और इधर की साइड रखती हूँ मैं अपने फॉर्म वगैरह इस तरीके से। तो इस तरीके से रखा हुआ है कुछ सामान, और कुछ मेरे यहाँ पे आपको बैंगल्स वगैरह दिखेंगे इस तरीके से रखे हुए, और इधर की साइड रखे हुए हैं अदिति की ये क्लिप्स और ये स्माइली वाले एक बार ला के रखे थे उसने। और यहाँ पे रखती हूँ मैं इस तरीके से अपने हेयर बैंड्स वगैरह, अदिति के सारे हेयर बैंड्स। इधर की साइड रखती हूँ मैं अपने क्लेचर वगैरह, और इधर गॉगल वगैरह रख देती हूँ। कलेक्शन है अभी मेरे पास यहाँ पे, और करौली में आधा कलेक्शन छोड़ के आ गई थी अब की बार, क्योंकि दोबारा छुट्टियों में मेरा वहाँ पे जाने का विचार था, और वहाँ पे मेरे को मेकअप सीखने का मन था, थोड़ा सा और ज्यादा सीखना चाह रही थी मैं, तो मैं कुछ सामान वहाँ पे छोड़ के आ गई। पर अभी कोरोना फंस गया बीच में तो जाना नहीं हो रहा है। तो कैसा लगा आपको मेरा मेकअप कलेक्शन बताना मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके, और मैं इस तरीके से अरेंज करके रखती हूँ ताकि वो सामान फैले नहीं बिल्कुल, और मुझे वहीं की वहीं पर सारा सामान मिल जाए अच्छे से। तो इस तरीके से मैं अपना सामान जमा के रखती हूँ, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको मेरा मेकअप कलेक्शन कैसा लगा। और नेक्स्ट मैं और भी बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी, और मेकअप के वीडियो भी मैं शेयर करूंगी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ। अभी मुझे क्या आदिति की छुट्टी चल रही है तो मुझे दिन में इतना टाइम नहीं मिलता है, और वो करने नहीं देती है क्योंकि वो बीच बीच में बोलती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसके पापा ने मना करके रखा है इसलिए। तो अगर आपको दोबारा से कभी मेकअप कलेक्शन का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना, मैं प्रॉपरली दूंगी। अभी मैंने जैसा रखा था वैसे कि वैसे ही आपको दिखा दिया, सॉरी उसके लिए, बट एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, बच्चों के साथ आपको पता ही है ऐसे करना होता है, क्या करूँ। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स एंड लाइक कर देना, बाय बाय। और आज मैंने थोड़ा सा मेकअप किया था उसी के साथ साथ, थोड़ा सा किया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे सूट करना था इसलिए। बाकी मैं घर पे बहुत कम करती हूँ, मेकअप वगैरह करती नहीं हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अच्छा लगा है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू सब्सक्राइबर हो तो, और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए जिससे आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाया करेगी।